हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विवाहिता की नसबंदी के एक घंटे बाद मौत, एनजीओ टीम गायब, तीन बेटों की मां ने करवाई नसबंदी, नसबंदी टेबल से नीचे लेते ही बिगड़ी तबीयत, तोड़ा दम, दलित नेताओं की वार्ता चौथा दौर शुरू होगा, कलेक्टर मिलकर रखी मांगे बाड़मेर अनुसूचित जाति जनजाति एकता मंच के बैनर से परिवार सदस्यों के साथ सैकड़ों पुरुष महिलाओं सहित मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। परिवार का कहना है कि परिवार नियोजन कराने आई महिला का ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो गई थी। मौत के जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी एवं पीड़ित परिवार को नौकरी व आर्थिक सहायता दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बीपीएल परिवार के गीता देवी की दौरान ऑपरेशन टेबल पर मृत्यु हो गई। 24 वर्षीय मृतिका के तीन बच्चे उम्र क्रमशः 2.5 साल, 1.5 साल एवं 2 साल माँ है। सरकार से मांग की है कि मृतिका परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, मृतिका के परिवार को 25 लाख के मुआवजा दिया जाए एवं मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। यह विस्तार से घटना, तीन मासूम बच्चों की मां का नसबंदी होने के करीब एक घंटे बाद मौत हो गई। नसबंदी से पहले पूरा परिवार राजी खुशी था। नसबंदी कैंप में महिला ने नसबंदी करवाई के बाद तीन मासूम बेटों से उनकी मां का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। मामला बाड़मेर जिले के चौहटन का है। शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत कैसे हुई है। वही नसबंदी कैंप कर रही एनजीओ टीम वहां से गायब हो गई। दरअसल जिले के चौहटन अस्पताल में नसबंदी शिविर लगाया गया था। यह शिविर FRHS इंडिया एनजीओ द्वारा लगाया गया है। 30 महिलाओं की नसबंदी की गई है। शनिवार को राणासर निवासी गीता पत्नी कुंभा राम अपनी माँ और 2 माह के बेटे के साथ नसबंदी करवाने के लिए आई थी। नसबंदी करवाने के बाद महिला को टेबल से नीचे लेते ही महिला बेहोश हो गई और महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। इस पर एनजीओ के डॉक्टर व चौहटन के डॉक्टरों ने महिला को एम्बुलेंस से बाड़ में रेफर कर दिया। बीच रास्ते में महिला की तबीयत खराब हो गई थी। महिला को जिला अस्पताल पहुंचाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। महिला के शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। 2 माह के बच्चे को जिला अस्पताल के बाहर लेकर बैठी नानी ANM तारा का कहना है कि चौहटन में नसबंदी कैंप में गीता से पूछा था कि डर तो नहीं लग रहा है। नसबंदी टेबल से जैसे ही नीचे लाया उसकी तबीयत बिगड़ गई और बेहोश हो गई। डॉक्टर टीम के साथ एम्बुलेंस में जिला अस्पताल लेकर आए लेकिन गीता ने दम तोड़ दिया। एडिशनल CMHO सताराम चौधरी का कहना है कि मृतका का शव जिला अस्पताल के मॉर्चरी में रखवाया हुआ है। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि महिला की मृत्यु कैसे हुई है। महिला गीता की शादी 5 वर्ष पहले ही हुई थी। महिला के 3 बेटे हैं, एक बेटा रोहित 2.5 साल का, दूसरा कैलाश करीब 1.5 साल का, वही तीसरा बेटा कार्तिक 2 से 3 माह का है। महिला का पति खेती का काम करता है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए बाड़मेर के अनुसूचित जाति जनजाति एकता मंच के अध्यक्ष उदाराम मेघवाल इन्होंने ये कहा, निवेदन किया कि लेडीज की जो मौत हुई है वो डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। PM रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर कह रही है, उसमें मौत का जो कारण है वो कॉज ऑफ डेथ है डॉक्टर की लापरवाही से हुई है, उसकी ब्लीडिंग हुई है और सारे जो भी गाइडलाइन है उन्होंने फॉलो नहीं किया, इसलिए एक महिला की मौत हुई है। सबसे पहले हमारी यही मांग है कि उस जो डॉक्टर और उसकी टीम के लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और कलेक्टर साहब ने ये भी कहा, मैं PM रिपोर्ट का अध्ययन करवा लेता हूं, अगर ऐसा है तो मैं पुलिस को बोल दूंगा। और क्या इसके सिवाय हमारे है 25 लाख रुपए, इस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और इसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।